Yes, students, now see the worksheet 3. Question number 1. Use the symbol greater than or less than at proper places. यहाँ पे इसको मैंने बोला बेटे greater. Greater क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये मुंह ओपन है, यानी कि जो मुंह खुला है, ये कहाँ पे है? लेफ्ट की तरफ है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है? ग्रेटर. और ये देखिए, यहाँ पे जो हम एनालाइज कर रहे थे, लेफ्ट की तरफ यहाँ पे मुंह बंद है, यानी राइट की तरफ मुंह खुला है. तो डैट मीन्स कि जो लेफ्ट में होगा वो नंबर, वो क्या होगा? छोटा होगा. तो इसीलिए मैंने इसको बोला है स्मॉलर. ठीक है, तो आप बहुत इजिली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं. देखिए ए पार्ट, 2/6, 5/6. बेटे 6 और 6 तो कॉमन है, सेम आ रहा है, तो हमें किसे कंपेयर करना है? जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स हैं. तो हर क्वेश्चन में आपने जो न्यूमरेटर है सिर्फ उन्हीं को ही कंपेयर करना है. 2 और 5 में बड़ा कौन है? 5. और छोटा कौन है? 2. तो जो बड़ा है बेटे उसकी तरफ मुंह खुले का साइन दिखाएंगे, और जो छोटा है उसकी तरफ ऑब्वियसली आपने मुंह बंद का साइन दिखाना है. यानी कि सिंबल एक ही बनाएंगे, लेकिन जो मुंह खुला है वो बड़े की तरफ शो होगा, और जो मुंह बंद है वो आपने छोटे की तरफ शो करना है. राइट, तो एक सिंबल का हम यूज करेंगे. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ग्रेटर सिंबल कौन सा यूज करें या स्मॉलर सिंबल कौन सा यूज करें. बस आप ये देखिए कि जो भी बड़ा नंबर है उसकी तरफ आपने मुंह खुले का साइन दिखाना है. राइट, तो 2/6 और 5/6, तो यहाँ पे 2 और 5 में 5 बड़ा है, तो इस तरह से हमने मुंह खुला 5 की तरफ दिखा दिया. ठीक है, तो ये एक तरह से बेटे आपका ग्रेटर ही दिखा रहा है. ठीक है, कि जो 5 है वो ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है. ठीक है, इसी तरह से आपने बी पार्ट करना है, 7 और 9. 7 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, तो हम 9 की तरफ मुंह खुला दिखा देंगे. इसी तरह से आपने सी पार्ट करना है, 5 और 3. 5 और 3 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है एंड देन 5, है ना. आपने बेटे काउंटिंग में चलना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से काउंटिंग आगे से आगे बढ़ती जा रही है ना, वो आगे इंक्रीज होती जा रही है. तो जो नंबर बड़ा होगा आगे बढ़ता जाएगा, उसकी तरफ आपने मुंह खुला दिखाना है. तो 5 यहाँ पे ग्रेटर है. इसी तरह से आपका डी पार्ट होगा, 7 और 5, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है. ठीक है, क्योंकि 7 बाद में आता है काउंटिंग में, 5 पहले आता है, जो बाद में आ रहा है वो बड़ा है. इसी तरह से ई पार्ट है. आई थिंक बेटे आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, इनको ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे. राइट, क्वेश्चन नंबर 2. एन सर्कल द फ्रैक्शन विच इज स्मॉलर इन ईच. आपने बेटे सर्कल करना है उस फ्रैक्शन को जो कि स्मॉलर है, छोटी है. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला आपके लिए किया गया है. देखिए यहां पे बेटे एक चीज आपको कॉमन दिखेगी कि जो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के दोनों सेम है, है ना. हर क्वेश्चन में देखो 4, 4, 6, 6, 5, 5, 3, 3, 8, 8, तो आपको इस तरह से ही दिखेगा. इसको बोलते हैं बेटे लाइक फ्रैक्शन. जब हम आगे आगे फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी. इसको वैसे लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. तो आपने बेटे न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना है, जो ऊपर वाला नंबर है. इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे जो ऊपर वाले हैं. तो 1 और 4, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? स्मॉलर लिखे ना, स्मॉलर, स्मॉलर मीन्स छोटा. तो जो छोटा है उसको हमने सर्कल करना है, पूरी फ्रैक्शन को सर्कल करना है. यही लिखे ना यहाँ पे, एन सर्कल द फ्रैक्शन विच इज स्मॉलर. स्मॉलर कौन सा है? 1. तो पूरी फ्रैक्शन को ही आप सर्कल करेंगे, क्योंकि एन सर्कल द फ्रैक्शन, पूरी फ्रैक्शन आपकी सर्कल होगी. सिर्फ 1 को नहीं करना, पूरी फ्रैक्शन को सर्कल करना है विद डिनोमिनेटर. राइट, तो बी पार्ट देखिए, 5/6, 3/6. तो इनमें छोटा कौन सा है? 5 या 3? ऑब्वियसली 3 छोटा है, क्योंकि 3 काउंटिंग में पहले आता है. तो हम पूरे को सर्कल करेंगे इस तरह से, 3/6 पूरे को सर्कल करेंगे. सी पार्ट देखिए, 2/3, 1/3. तो 2 और 1 में 1 छोटा है, तो हम पूरे 1/3 को सर्कल करेंगे. डी पार्ट, 1/4, 3/4. 1 और 3 में कौन छोटा है? 1 छोटा है, तो 1/4 को सर्कल करेंगे. दिस इज द स्मॉलर फ्रैक्शन. ई पार्ट देखिए, 2/5, 4/5. 2 और 4 में से छोटा कौन है? 2 छोटा है, तो 2/5 फ्रैक्शन को सर्कल करेंगे. इसी तरह से बेटे एफ पार्ट है, खुद से ट्राई कीजिए. राइट,